असलम डी यर स्टूडेंट्स दिस इज़ रिहम रमान एंड आई एम यू कम्प्यूटर साइंस टीचर फॉर ग्रेड नाइन उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे सेहत अच्छी होगी आपकी आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डिफ्रेंस बिटवीन एलगोरिदम एंड फ्लोच आट ये अगेन हमारे फ़र्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है जो कि फर्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसी का ही एक ये टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे सो डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करें कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट उसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह लेट्स लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एफिशिएंसी ऑफ एन एलगोरीदम जब हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सोलूशन होते हैं तो तब हम कैसे डिसाइड करते हैं विच एलगोरीदम वी शुड गो फॉर कि जब हम ये वाला एलगोरीदम हम किस बेसिस पर डिसाइड करें कि इसको हम क्यों चूज करें क्यों इसकी एफिशिएंसी हमें ज़्यादा बेहतर लग रही है बाकी के कंपैरिजन में जो हमारे पास एलगोरिदम्स पड़े हैं सेम ही प्रॉब्लम के उसके नजदीक सो so, उसमें हमने देखा था कि जब भी हम एफिशिएंसी ऑफ एलगोदम की बात करते हैं उसको हम डिसाइड करते हैं दो तो बातों पर वो कौन सी दो बातें हैं एक तो हम टाइम देखते हैं उसके अंदर जिसमें मिनिमम टाइम यूज़ हो रहा है वो एफिशेंट है हमारे लिए और दूसरा जिसमें मिनिमम कंप्यूटर की स्पेस यूज़ हो रही है वो हमारे लिए एफिशेंट कंसिडर किया जाता है सो so, ये दो जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए थे कैसे कि जब हम टाइम की बात करते हैं मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स जिस एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप्स कम हैं वो एफिशिएंट है और जिस एल्गोरिथम को रन करते हुए हमारे पास स्पेस कम यूटिलाइज हो रही है कंप्यूटर सिस्टम की वो एफिशिएंट है बट ऐसा भी पॉसिबल था हमने देखा कि एक ही प्रॉब्लम जो है जब हमारे पास एक सोलूशन है एक प्रॉब्लम का उसमें हमारे पास या तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हैं और मेमोरी की जो कंजप्शन है वो कम है या नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम है और मेमोरी जो यूज़ हो रही है मेमोरी में जो स्पेस यूज़ हो रही है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे पार्ट प्ले करता है प्रोग्रामर जो डिज़ाइन कर रहा है उस एल्कोरिदम को कि उसके नज़दीक किस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है वो क्या वो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है या स्पेस पे कर सकता है तो ये चीज़ वो प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि उसको कौन सा लग रहा है कि कौन सा एलगोरिदम जो है वो एफिशिएंट है फिर हमने इसी चीज़ को फर्दर क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स की थी और हमने देखा था कि हमारे पास एक तो प्रॉब्लम है बट उस एक प्रॉब्लम के हमारे पास दो से ज़्यादा भी सोलूशन हो सकते हैं और उनको फिर हमने कंपेयर किया था कि हमने दो एल्गोरीदम्स बनाए थे एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के और देखा था कि उसमें से एफिशिएंट जो हमें लग रहा है वो कौन सा एलगोरीदम है और क्यों है अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की जिसमें हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरेजम एंड फ्लो चार्ट एल्गोरेथम क्या है जैसे हमने अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया एल्गोरेथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जब भी हम प्रॉब्लम की किसी भी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसमें हमें बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है उस स्टेप में हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इस स्टेप में हमें यह टास्क परफॉर्म करना है उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम हमने ये भी देखा कि एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं जब एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं कुछ नोटेशन का कुछ की का वो की बेसिकली होते हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं इसलिए वो नॉर्मल लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए सो so दैट जब भी हम उस एक एल्गोरिथम को जो हमने एक लैंग्वेज में डेवलप किया उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब चेंज ना हो जाए सेम मतलब रहे एक ही मतलब रहे उसका और उस एल्गोरिथम को जिसको हमने ट्रांसफर किया किसी और लैंग्वेज में हमें सेम आउटपुट दे सो इसलिए हम कहते हैं एल्गोरिथम जो होता है वो बढ़िया हमारी नेचुरल लैंग्वेज पास होता है ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूम उसको आराम से अंडरस्टैंड कर लें इसीलिए एल्गोरिथम में हम यूज़ करते हैं कीवर्ड्स और नोटेशन का और हमने देखी थी वो कौन से कीवर्ड्स और नोटेशन थे जिनको यूज़ करके हम कोई भी एल्गोरिथम डिवेलप करते हैं फिर बात करते हैं फ्लो चार्ट की वट इज़ अ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जब भी हमने किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना है और उस सोल्यूशन को हम एक पिक्चर की फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करते हैं दैट इज अ फ्लो चार्ट और जैसे कि वर्ड बता रहा है फ्लो चार्ट इसमें एक फ्लो होता है जो भी हम सोल्यूशन बता रहे हैं वो एक फ्लो की फॉर्म में बता रहे हैं और क्योंकि इसमें सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं इसमें ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं इसलिए इसको चार्ट कहा जाता है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपके पास फ्लो में चलती हुई इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप कैसे वन बाय वन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे टू हैव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ये हमने देखा कि जो फ्लो चार्ट है उसमें हम यूज़ करते हैं सिम्पल्स जहाँ के हमने एल्गोरिथम में नोटेशन यूज़ करते हैं वहीं पर फ्लो चार्ट क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें यूज़ किए जाते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स उन स्पेशल सिंबल्स के थ्रू हम बताते हैं कि यहाँ पर हर स्पेशल सिंबल का एक मीनिंग है तो जब हम वो सिंबल्स यूज़ करते हैं हमें पता चल जाता है ये सिंबल का मतलब क्या है और यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डिसीजन लेना है वहां पर हम शो करते हैं एक डायमंड शेप जिसको हम डिसीजन कहते हैं उस डायमंड शेप को देख के आपको समझ आ जाएगी कि, कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन आई है कोई भी डिसीजन हो रहा है हम चेक कर रहे हैं ओवेलुएट कर रहे हैं स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स और फिर उसी तरह की वर्किंग होगी वहीं से आगे फ्लो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा इन केस द स्टेटमेंट इज ट्रू और द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स ये तो हमने एक रिकैप सा कर लिया कि वॉट आर एल्गोरिदम्स एंड वॉट आर फ्लो चार्ट्स अब बात करेंगे कि इनके बीच में क्या क्या है क्या चीजें हैं जो हमें differentiate करती हैं algorithm को के हम discuss करेंगे डिफरेंस so है और एल्गोरिदम का उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरफ आप बुक रीड कर रहे हैं और एक तरफ आप एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं बुक रीडिंग इज़ लाइक फ्लो चार्ट उसमें लिखा हुआ है सिंपल विदाउट पिक्चर्स विदाउट एनी ग्राफिक्स आप सिंपल जो राइटिंग है एक लैंग्वेज है उसको आप रीड कर रहे हैं दैट इज़ बुक रीडिंग और उसको हम कंपेयर करते हैं एल्गोरिदम से बिकॉज एल्गोरिदम में हम कोई शेप्स नहीं यूज़ कर रहे कोई ग्राफिक्स नहीं यूज़ कर रहे कोई एनिमेशन नहीं यूज़ कर रहे सिंपल लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है उस लैंग्वेज में हम एल्गोरिदम डेवेलप करते हैं वेयर एज अगर हम वॉचिंग मूवी को देखें दैट इज़ लाइक अ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट में हमारे पास आ जाते हैं सिम्बल्स हमें ग्राफिक्स नज़र आते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग हिसाब से हो जाती है कि हमें देखने में अच्छा लग रहा होता है फ्लो चार्ट जिस तरह आपको मूवी देखने में अच्छी लग रही है उसमें डिफरेंट शेप्स आ रही हैं डिफरेंट एनिमेशन आ रही हैं सिमिलरली फ्लो चार्ट्स में क्योंकि हमने बताया था हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ रिप्रजेंट करने के लिए सो दैट गिवस अ वेरी रिफ्रेशिंग लुक और आपको देखते ही जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया जब कोई चीज़ ग्राफिक हो जब कोई पिक्चर की फॉर्म में आपके पास सामने चीज़ आ रही हो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उसको देख कर ही बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट की फ्लो चार्ट्स के क्या एडवांटेजेस हैं सबसे पहला एडवांटेज है इट्स ईजी टू ड्रॉ फ्लो चार्ट में कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बहुत मुश्किल शेप्स और सिम्बल्स नहीं है बहुत सिंपल से शेप्स हैं हमारी बेसिक शेप्स में से हमने वो शेप्स उठाई हैं वो सिंबल्स बनाए हैं सो दैट कि वो आपके लिए बहुत इजी होता है ड्रॉ करने में जैसे कि हमने डिस्कस किया था ओवल शेप थी रेक्टेंगल थी पैरलोग्राम थी सर्कल था एरोस थी तो ये बहुत बेसिक शेप्स हैं जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है ड्रॉ करने के लिए इसलिए इट्स ईजी टू ड्रॉ नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट इज़ इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड फ्लो चार्ट क्योंकि हमने पहले बताया आपको जैसे कि हमने डिस्कस किया इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है तो हमें बहुत आसानी होती है उसको समझने के लिए बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स हमारे पास लंबा सा टेक्स्ट हो सिचुएशन जो हमें दी गई है कि ये प्रॉब्लम है और इसका सोलूशन ये है उसमें हम रीड करने बैठे हैं उसको हमें फ्लो चार्ट क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत आसानी से हम देख के हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा हो जाता है हमें समझ आ जाती है ओके दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस हम कैसे अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स अगर कोई एरर्स आ जाते हैं हमारे फ्लो चार्ट के बीच में तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई क्योंकि हमने स्टेप बाई स्टेप उसको डिवाइड किया है स्टेप बाई स्टेप हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सोल्यूशन की तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो स्टेप था इसने अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं किया यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है एरर इसकी आउटपुट में आया है एर यहाँ पे जो हमने प्रोसेसिंग की है उसमें आया है तो so, जब भी हमें कोई एरर आएगा उसको हमें ईजीली हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि इस पार्ट पे प्रॉब्लम आई इसकी जो आउटपुट थी उसने वो आउटपुट नहीं दी जो कि हमारे हमें रिक्वायर्ड थी या यहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा लग गया एज़ कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड टाइम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ये वाला पार्ट इतने टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा तो जो एरर्स की हमें आइडेंटिफिकेशन होती है वो बहुत हद तक बहुत आसान हो जाती है फ़्लो चार्ट में बिकॉज वो स्टेप बाई स्टेप हम कर रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन फ़ौर फिगर आउट हो जाएगी कि ये वाला पार्ट ने अपनी एंड पर प्रॉब्लम की है यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है यहाँ पर कोई एरर आ गया है हमारी फ्लो में फिर हम बात करते हैं द नेक्स्ट एडवाटेज दैट वी हैव इट्स ईजी टू ऑब्जर्व द फ्लो फ्राम वन स्टेप टू एन अदर बिकॉज फ्लो चार्ट स्टेप बाई स्टेप्स आ रहे हैं हमारे पास हमने जब डेफिनेशन यूज़ की है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और स्टेप बाई स्टेप हमें बता रही है कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसलिए इट्स वेरी ईजी टू तो ऑब्जर्व द फ्लो जो हमारे पास जो सिंबल है फ्लो लाइन्स और एरोज जिसको हम कहते हैं उनके थ्रू हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि फ्लो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिकॉज जो एरो हेड है वो हमें बता रहा होता है इंडिकेशन होती है कि अब फ्लो अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स है या बॉटम टू टॉप है हमने ये भी देखा था अपने फ्लो चार्ट में कि जब हम रिपिटेशन करते हैं तो हम मूव करते हैं इन रिवर्स ऑर्डर बॉटम से दोबारा टॉप पर जाते हैं और क्योंकि हमें रिपीट चाहिए होते हैं कुछ एक्शंस कुछ स्टेप्स हमें रिपीट में करने होते हैं उसके लिए फ़्लो रिवर्स भी हो जाता है तो वो एरो हेड को देखते हुए हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि जो हमारा फ्लो चार्ट है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस स्टेप के बाद हम नेक्स्ट स्टेप कौन सा करेंगे yes. हमने तो एडवाटेज डिस्कस किए फ्लो चार्ट के हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट सबसे पहला जो फ्लो चार्ट का डिसएडवांटेज है इट्स टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको ड्रॉ करना होता है आपको शेप्स ड्रा करनी है दो शेप्स आर इजी टू ड्रा बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग आपको ड्राॅइंग करने में टाइम लगता है कि आप को ये शेप ड्रॉ करनी है उस आपको ये शेप ड्रा करनी है थोड़ा तो सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर हम टाइम कंस्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो फ्लो चार्ट हैं इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है उनको ड्रॉ करने में द नेक्स्ट डिसएडवाटेज इज मॉडिफिकेशन इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम एक दफ़ा आपने फ्लो चार्ट बना लिया एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन का फ्लो चार्ट बन गया अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए कुछ चेंज करना है हमने जिस तरह की हमने बात की थी कि जब एरर कोई आ जाता है अगर फ्लो चार्ट में तो डेफिनेटली उस एरर को रिमूव करने के लिए कुछ मॉडिफाई करेंगे हम अपने फ्लो चार्ट में कि ये चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं की इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं तो जो मॉडिफिकेशन है इट्स नॉट रियली ईजी बिकॉज हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है हर स्टेप एक दूसरे स्टेप के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ एरो लाइन्स तो जब हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें पूरा डिस्टर्ब होगा हमारा फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट को अगेन हमें दोबारा से नॉट ऑल द फ्लो चार्ट बट कुछ पार्ट उसको दोबारा से ड्रा करना पड़ेगा फिर सोचना पड़ेगा कि इसको किससे कनेक्ट करना है और आगे से हमें दोबारा से रीड्रॉइंग करनी पड़ेगी सो so, मॉडिफिकेशन करना फ़्लो चार्ट में इट्स नॉट रियली ईज़ी एवरी टाइम कभी कभी होता है कि सिर्फ हल्की सी मॉडिफ़िकेशन है तो दैट्स ओके बट अगर आपको मॉडिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा है फ्लो चार्ट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स था उसमें मॉडिफिकेशन आ गई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट इज़ इट्स नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स जब प्रॉब्लम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसका सोलूशन में हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स के थ्रू वो सोलूशन की तरफ जाएगी देन फ्लो चार्ट इज़ नॉट रियली रिकमेंडेबल बिकॉज इस सेंस में बिकॉज हम हर चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा मैसी और क्लमजी सी लुक आएगी आपके फ्लो चार्ट की मुश्किल हो जाएगा थोड़ा समझना कि इस पार्ट को अब हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं या फर्दर क्या और है जब प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो डेफिनेटली फ्लो चार्ट भी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैसी हो जाएगा क्रमसी हो जाएगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ज़रा लो हो जाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से नॉर्मली फ़्लो चार्ट की मिलती है प्लस उसमें मजीद टाइम लगेगा आपको उसको डिवेलप करने में उसको बनाने में एंड इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्लो चार्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए फ़्लो चार्ट इज़ नॉट रियली यूज़फुल उसमें आपका एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा है फिर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उसको ड्रॉ करने में और इन केस कहीं पे कोई एरर आ गया तो मॉडिफिकेशन अगेन इट्स अ नेक्स्ट लेवल टास्क होगा आपके लिए फिर वो करना सो फ्लो चार्ट्स का हम लोग यूजली रिकमेंड करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए फ़्लो चार्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा तो सा ज़्यादा हो जाता है और ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है हमने डिस्कस कर लिए फ़्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एल्गोरिथम्स एल्गोरिदम्स का जो पहला एडवांटेज है इट्स ईजी टू राइट बिकॉज वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के काफ़ी क्लोज हम लिखते हैं उसको हम वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हम अंडरस्टैंड कर सकें उसको आसानी से सो इट्स ईजी टू राइट हमें कोई शेप्स वगैरह ड्रॉ नहीं करनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही उसके अंदर राइटिंग करनी है सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अ फ्लोच आर्ट इज़ इट्स ईजी टू राइट देन टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर ईजी टू अंडरस्टैंड अब जिस टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं एलगोरिदम लिखने के लिए वो बहुत अंडरस्टैंडबल है बहुत आसानी से हमें उसकी समझ आ जाएगी क्यों क्योंकि ऐसे हम कहते आ रहे हैं कि काफ़ी ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है हम वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हम आसानी से समझ लेते हैं नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स इसके अंदर यूज़ होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ नोटेशंस जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं तो फ्लो चार्ट की जो टेक्निक है राइटिंग की वो काफ़ी आपको हेल्प करती है फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने में जैसे कि हमने नोटेशन बात की थी सेट हमें पता है वाई वी यूज़ द वर्ड सेट गो टू इफ एल्सार्ट एंड ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कहीं ना कहीं वर्ड्स यूज करते हैं और हमें पता है कि इनका मतलब क्या होता है सो so, इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें ज़्यादा बेहतर मिलती है एल्गोरिथम की देन द लास्ट एडवांटेज दैट वी हैव टूडे ऑफ एन एल्गोरेडम इज़ एलगोरीदम्स आर यूजफुल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। जिस तरह हमने बात की थी फ्लो चार्ट का डिसडवाटेज जो सबसे ज्यादा हमें लग रहा था वो ये कि जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए इट्स नॉट सूटेबल। फ्लो चार्ट आर नॉट सूटेबल फॉर बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बट जो एल्गोरेदम का एडवाटेज वो ये है कि एल्गोरेदम आर यूजफुल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स बिकॉज उसमें हमने सिंपल स्टेप्स लिखने हैं वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन के स्टेप्स हैं जो कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे उसमें कोई ड्राइंग इन्वॉल्व नहीं है कुछ ये नहीं है कि अगर कॉम्प्लेक्स अगर आ गई प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को हमने डेवलप करना है तो क्लमज़ी लुक ना आ जाए थोड़ी मैसी ना लगे समझना मुश्किल हो जाए उसको कि अब यहाँ से फ्लो कहाँ गया एलगोरेदम में ऐसा कुछ भी नहीं है तो एल्गोरीधम इज़ गुड फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स एल्गोरीदम के जो डिसडवानटेज उसमें so, पहला डिसडवानटेज ये है कि मोडिफ़िकेशन इज़ नॉट ईजी यही डिसएडवानटेज हमें फ़ील हुआ था फ्लो चार्टस के अंदर कि मोडिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम ये देखना कि यहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन रिक्वाड है इस स्टेप को हम फिर कहाँ पर यूज़ करें किस स्टेप से मूव करें तो मोडिफ़िकेशन इज़ नॉट ईजी एवरी टाइम कभी कभी तो आसानी से हम कर लेते हैं बट अगर सिचुएशन कॉम्पलेक्स है ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है उसमें मॉडिफ़िकेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिथम इज शोइंग फ्लो ऑफ स्टेप्स इज नॉट वेरी ईजी फ्लो चार्ट में हमें फ्लो में चलना बताना वो बहुत आसान था बिकॉज ऑफ द एरो लाइन्स जो हम यूज़ कर रहे थे हमें पता चल जाता था कि यहाँ से हमारा जो अब फ्लो है किस वाली स्टेप पर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द एरोज एरो हेड हमें बता रहा था कि अब यहाँ से हम यहाँ इस स्टेप पर जा रहे हैं वापस इस स्टेप पर आ रहे हैं वहाँ पर एंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लो वॉज वेरी ईजी whereas in algorithm हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमें बताए कि कि फ्लो किस सीक्वेंस में चल रहा है तो फ्लो को समझना इतना आसान नहीं है as compared to the flow chart and the last disadvantage that we have is the usage of go to makes it difficult to identify errors अब algorithms में error identification थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है because क्योंकि हमें इसमें flow को understanding भी मुश्किल हो जाती है इसीलिए जब हम गो टू यूज करते हैं फ्लो चार्ट में तो ये था कि एरो हमें कनेक्ट कर रहा था वापस हमें बॉटम टू टॉप जाना इतना मुश्किल नहीं था हमारे लिए एरो लाइन से हमें फ़ौर पता चल जाता था कि अच्छा अब यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है तो कहीं पे एरर आता था वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता था एल्गोरिथम में क्योंकि कोई हम ग्राफिक्स यूज़ नहीं कर रहे हम सिंपल बता जा रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेप नंबर टेन पर आकर कहा कि गो बैक टू लाइक गो टू की नोटेशन यूज की और गो टू स्टेप नंबर थ्री तो समझना मुश्किल हो जाएगा और उसमें एर आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आप वापस जाएंगे देखेंगे तो उसमें क्या था और वो वापस गो थ्रू करेंगे वेयर एज फ्लो चार्ट में आपके सामने एक वो पिक्चर की फॉर्म में है आपको फॉरन एरोहेड बता देगा कि यहाँ पर गए फिर दोबारा से प्रोसेस हुआ सो so, ये एक डिसएडवांटेज है हमारे पास एल्गोरिदम का कि जो गोटू का यूजेज है वो हमें मुश्किल कर देता है एरर्स को आइडेंटिफाई करने में सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा था कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लो चार्ट एंड एन एल्गोरिदम हमने डेफिनेशनस को ज़रा रिक्प किया कि एलगोरिदम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है फिर हम एलगोरिदम्स में यूज़ करते हैं नोटेशंस और फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं सिम्बल्स फिर हमने डिस्कस किए दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की अपनी अपनी जगह पे एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं हमने उनको गो थ्रू किया और देखा कि कुछ सिचुएशंस में एलगोरिदम ज़्यादा अच्छा क्लास परफॉर्म कर लेते हैं कुछ सिचुएशंस में फ्लो चार्ट ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं हमारे लिए उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी एवरी जो भी हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में आपको क्लियर होगी आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है हम मिलेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़